देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड कुलहाल नहर में बड़ी कार दुर्घटना, 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपति सहित दो भाइयों की मौत, जबकि दो ने तैरकर अपनी जान बचाई, एक शव अभी भी पानी में लापता। पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कुलहाल नहर में बड़ी कार दुर्घटना में बड़ी मशक्कत के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपति सहित एक 23 वर्षीय युवा का शव निकाल लिया गया है, जबकि एक शव अभी भी मिल नहीं पाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक कार चंडीगढ़ से उत्तराखंड आ रही थी। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने कट मार दिया, जिससे बचने के लिए गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी को नहर की ओर मोड़ दिया। अनियंत्रित गाड़ी विद्युत नहर में जा गिरी, जिसमें सवार महिला सहित 6 लोग नहर में समा गए, जबकि दो ने अपनी जान तैर कर बचा ली। इस दुर्घटना में भाग्यशाली रहे गणेश चंद्र निवासी पौड़ी गढ़वाल ने बताया कि हम सभी करीबी रिश्तेदार हैं, वह किसी तरह तैर कर बाहर आ गए, जबकि मरने वालों में उनकी सगी मौसी मौसा व उनके 2 सालों की मौत हुई है। वहीं इस बारे में विकास नगर सीनियर इंस्पेक्टर नरोत्तम ने बताया कि गाड़ी नहर में गिरी है, जिसमें 2 लोगों को बचाया गया और महिला सहित 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, एक की तलाश जारी है।